दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस काला। सभी समुदायों की संस्थाओं को साथ आकर जन सरोकारों के मामलों को हल करने की पहल करनी चाहिए। ये बात हिमाचल हाई कोर्ट के जज जस्टिस अजय मोहन गोयल ने सोलन में आयोजित सूद सभा के वार्षिक अधिवेशन एवं कुल गौरव सम्मान समारोह में कही। उन्होंने कहा कि अपने अपने समुदायों पर कई संस्थाएं सक्रिय हैं और यदि ये अपने समुदायों से आगे बढ़कर अन्य समुदायों की संस्थाओं से समन्वय बनाकर काम करती हैं तो इसका प्रभाव कहीं ज्यादा होगा। उन्होंने कहा सूद सभाएं भी अपने समुदाय से आगे जाकर सभी समुदायों के हित के लिए तत्पर रहती हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की उपाध्यक्ष रश्मि धर सूद विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रही। सफल भी हुए क्योंकि आज जो सारे दुनिया में थर्ड वेव है, लेकिन भगवान की दया से हम थोड़े बहुत फिर से बचे हुए हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर जितने भी कोविड वॉरियर्स हैं और हमारे सभा के जितने भी लोगों ने कोरोना के काम में अपने अपने लोगों की मदद की, सारी दुनिया की ज्यादा मदद की है, तो मैं उन्हें भी अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जब मैंने वकालत अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की थी 92 में, तो मैं माई फादर का लॉ किया, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हें राजवीरदास जी के पास जाकर ज्वाइन करना है। राजवीरदास जी आपको जानते हैं, जिसको मैं बोलूँगा लाइट हॉस्पिटल भाग्य मिला कि मैंने उनके साथ जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी उस साल में उनके साथ मैंने काम किया। श्री कपिल देव सूद जी ऑल ऑफ दी मोस्ट अगेन पायनियर जो मैं बोलूँगा लीगल फील्ड के हमारे हैं, हमें ये भी मौका मिला कि उनसे हम सीखे, उनको हमने देखा कि वो कैसे प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन आजकल मुझे कुछ ऐसे लगता है कि हमारी कम्युनिटी से लॉ की तरफ जो है वो कुछ कम लोगों का जो है रुझान हो गया है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इट इज़ अ वेरी वेरी गुड फील्ड, क्योंकि एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप आकर के लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं। आपको छोटी सी बात याद कराऊंगा, यहाँ पे बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, मैं तो उम्र में भी बहुत छोटा हूँ, बुजुर्गों में भी बहुत छोटा हूँ, लेकिन हमने यह सुना है कि हमारे देश को आज़ाद कराने में जितने भी लोगों ने योगदान दिया है 80% ऑफ देम वर लॉयर्स। तो इसलिए मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये भी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है यहाँ पर हैं, वो मैं चाहूँगा कि उनका रुझान इस पर आप आए, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है इससे आप कहीं भी आकर आगे जा सकते, अपनी और अपनी कम्युनिटी की बहुत बहुत हेल्प कर सकते। साथ में मैं छोटी सी एक और बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कोई ज़्यादा सभाओं वगैरह में, मैं चाहता नहीं हूँ, ये तो सबने मेरे को बुलाया था, मैं आया हूँ, लेकिन सूद सभा को अगर अपने लेवल पे आप ये कर सकें तो करना चाहिए। जैसे हमारे सूद सभा है और कई जितने भी कास्ट हैं सबकी अपनी अपनी सभा है, राजपूत सभा है, किसी और सभा है, मैंने कभी कोई ऐसा ओकेजन नहीं देखा है जहाँ पर ये सारी सभाएं इकट्ठे होकर कुछ करते। तो मेरी सूद सभा से ये रिक्वेस्ट है कि ये सब खाब लोग उठे, ये और लोगों को अपने साथ जोड़िए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस काला अम्ब लगातार 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बलबूते संस्थान अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया है। संस्थान AICTE, PCI, BCI से मान्यता प्राप्त विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान ISO 9001 द्वारा प्रमाणित है, साथ ही 5-स्टार एक्रेडिटेड स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल व निदेशक विकास बंसल ने बताया कि संस्थान बीटेक, एलएलबी, बीएएलएलबी, बीसीए, बीबीए, एमबीए, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, जेबीटी, बीएड आदि विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान में सभी विषयों के लिए अति आधुनिक लैब व संसाधनों की भी व्यवस्था की गई है। डिप्लोमा व डिग्री कोर्स पूरा होने के साथ ही संस्थान में कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। SC ST और OBC श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सभी विषयों में रजिस्ट्रेशन व दाखिले हेतु आज ही संस्थान में आएं या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित करें।